हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। मैं राजकुमार, आप देख रहे हैं टाइट का यूट्यूब चैनल। तो मैं आप लोग आज बताने वाला हूँ महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी के बारे में, जो कि अभी जिला स्कूल में कार्यरत है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फाइनल मेरिट लिस्ट निकल के आ गया है और काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। तो आपको कैसे देखना है, आपका लिस्ट में नाम है या नहीं। कंपोजिट मेरिट लिस्ट से पहले निकला था, जो कि अभी फाइनल मेरिट लिस्ट निकल गया है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे, यहां सर्च बार में टाइप करेंगे mgcub मोतिहारी। तो मैं यहां पे सर्च कर लेता हूं। जैसे ही आप सर्च करेंगे, यहां पे आपको फर्स्ट वाले वेबसाइट पे नहीं जाना है, यहाँ सेकेंड वाले वेबसाइट पर चले जाए। फर्स्ट वाला वेबसाइट है, आपको सेकेंड वाले वेबसाइट में चले जाना है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अगला इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको एडमिशन कॉलम दिखाई दे रहा है, एडमिशन न्यू, जो कि आप इस पर क्लिक करेंगे। लेफ्ट साइड में एडमिशन न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ पे नोटिस फॉर इंट्रक्शन कम काउंसलिंग ऑफ एडमिशन इन एमएससी केमिस्ट्री, यहाँ पे बहुत से सारे कोर्सेज है जो कि उसमें अवेलेबल है। आप देख पाएंगे उसका काउंसलिंग भी हो रहा है। तो मैं आपको बीटेक के लिए बताने वाला हूँ कि इसमें कितना सीट है, तो यहाँ पे और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे, सारा कुछ इसमें आपको क्लियर किया जाएगा। तो नोटिस फॉर इंस्ट्रक्शन कम काउंसलिंग ऑफ एडमिशन इन बीटेक सीएससी प्रोग्राम सेशन 2021-22, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसमें देख पाएंगे कि कॉल फॉर एडमिशन काउंसलिंग फॉर बीटेक सीएससी प्रोग्राम, जो कि काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। यहाँ पे 25/10/2021 को इसका काउंसलिंग होगी, 25 अक्टूबर 2021 को। यहाँ पे कोर्सेस बीटेक दिखा रहा है, टोटल इनटेक फॉर सेशन 2021-22 कितना सीट है, यहाँ पे 33 सीट हैं। और डीडी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, यहाँ पे काउंसलिंग के समय आपको 30,218 रुपये लिए जाएंगे, जो कि हॉस्टल में आप रहते हैं। तो यहाँ पे 9,000 पर सेमेस्टर आपको देना होगा। यहाँ पे आपको 8 बजे से 11 बजे तक रिपोर्टिंग होगी और काउंसलिंग का समय जो है 11 बजे से 5 बजे तक। अब इसका वेन्यू दिखा देते हैं, वेन्यू ऑफ काउंसलिंग, इसका कहाँ पे काउंसलिंग होगा, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेम्प कैंप जिला स्कूल कैंपस, जो कि जहाँ कार्यरत है इस यूनिवर्सिटी, आप जिला स्कूल में जाकर इसका काउंसलिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही आप नीचे आएंगे आपके सामने क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन, एडमिशन लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। यहाँ पे लिख रहा है कि सेकेंडरी क्लास 10th मार्कशीट फॉर वैल्यू सर्टिफिकेट या डेट ऑफ बर्थ, आप इसमें से लगा सकते हैं मैट्रिक का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, या फिर 5 कॉपीज ऑफ रिकरेंस पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पे 5 पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट डिटेल, जो कि आप अपना पढ़ लेंगे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर। यहाँ पर अंडरटेकिंग कुछ रूल्स दिए गए हैं, जो फॉर्म है कुछ है। और यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे क्या आपको ओरिजिनल लगेगा, क्या फोटो कॉपी लगेगा, यहाँ पे चेक लिस्ट में आप देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी सर्टिफिकेट, सेल्फ अरेस्टेड फोटो कॉपी, ओरिजिनल कुछ भी लगा सकते हैं इसमें, फोटो कॉपी या ओरिजिनल, सेकेंडरी स्कूल क्लास 10th मार्कशीट ऑफ वैल्यू सर्टिफिकेट ऑफ DOA, यहाँ पे मैट्रिक का मार्कशीट लगा सकते हैं, सेल्फ अरेस्टेड फोटो कॉपी, यहाँ पे ओरिजिनल नहीं लगाना है। अगर आपके पास ओरिजिनल है तो उसका फोटो कॉपी कराकर आप लगा सकते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको ओरिजिनल देना है, सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट फ्रॉम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, लास्ट अटेंडेंस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज से मिला होगा, यहाँ पे ओरिजिनल लगा सकते हैं। तो आप अपना देख लेंगे, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, यहाँ पर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर काउंसलिंग अंडर गिवन स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑन रिजर्व कैटेगरी, ये जेंडर वाले के लिए है, सो दीज आर द स्टूडेंट फॉर एलिजिबल काउंसलिंग। तो यहाँ पे आपको बहुत से नाम दिए हुए, यहाँ पे सीरियल नंबर, कैंडिडेट आईडी, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, कंपोजिट स्कोर, जो कि 10th और 12th मिलाकर यूनिवर्सिटी ने कंपोजिट स्कोर लिस्ट तैयार किया है, उसके आप कट ऑफ में देख लेना है। तो आप अपने यहाँ से सब कुछ मिला सकते हैं कि अपना आपका नाम आया है नहीं। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल वाले के लिए ये सब हैं। और नीचे आइएगा तो आपको OBC SC ST वाले का भी मिल जाएगा। यहाँ पे EWS कैटेगरी के लिए है, जो कि अपना नाम देख सकते हैं इसमें, अगर आपका है तो बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जैसे ही आप नीचे आएंगे, यहाँ पे दिखा रहा है SS SC कैटेगरी, आप अपना नाम इसमें देख लेंगे।
और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी यानी सब कैटेगरी के लिए इसमें दिया गया है जो कि आप देख पाएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट में सेक्शन में लिखकर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वीडियो बनाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। तो दोस्तों इसके लिए आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं आपको हम नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।